अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह इस लेक्चर में हमने सॉल्व करनी है एग्जांपल्स। तीन टॉपिक हमने पढ़े अभी तक, काउंटिंग प्रिंसिपल, परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो काउंटिंग प्रिंसिपल की तो खैर बहुत कम है, परमोटेशन की थोड़ी है, कॉम्बिनेशन की भी इतनी कम है। अच्छा, जो मुश्किल वाली एग्जांपल्स है ना, ऐसी एग्जांपल जो एग्जैक्ट क्वेश्चंस में है एक्सरसाइज में, तो मैं नहीं करवाऊंगा। क्या एग्जैक्ट बस वैल्यू चेंज किए, बाकी वो सवाल उन्होंने ऑलरेडी एक्सरसाइज में दिया हुआ है, तो वो तो मैं नहीं करवाऊंगा। हाँ, थोड़ी बहुत चेंजिंग के साथ है वो मैं जरूर करवा दूंगा, ठीक है। तो अभी मैं कोई पास पेपर के हिसाब से नहीं करवा रहा कि जो एग्जांपल पेपर में आई है मैं वो करवा रहा हूँ, मैं वो एग्जांपल करवा रहा हूँ जो एक्सरसाइज के अलावा कॉन्सेप्ट है, तो दैट्स व्हाई मैं आप लोगों को वो करवा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को मसला ना हो। फॉर एग्जाम्पल आप आते हो, सबसे पहले हम काउंटिंग प्रिंसिपल को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 है, पेज नंबर 19 पे, सॉरी पेज नंबर 219 पे ये वाला एग्जांपल सॉल्व करवा रहा है। बहुत इजी एग्जांपल है, बुक में सॉल्व भी हुई है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है। मैं बस समझाने की बात करूं कि इसका मतलब क्या है। लिखा है देयर आर थ्री हाईवेज फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी। भाई सिटी फॉर एग्जांपल कराची से हैदराबाद जाने के लिए तीन हाईवेज हैं, एंड फोर हाईवेज फ्रॉम सिटी बी टू सिटी सी। फॉर एग्जाम्पल हैदराबाद से आप जाना चाह रहे हो लाहौर, फॉर एग्जाम्पल, तो हैदराबाद से लाहौर जाने के लिए कितने हाईवेज हैं? चार हैं। बाय हाउ मेनी डिफरेंट राउट्स मे वन ट्रेवल फ्रॉम सिटी ए फ्रॉम ए टू सी बाय वे ऑफ बी। मैं बता देता हूं आपको। तो आप डेटा इस तरीके से बनाओगे, नंबर ऑफ हाईवेज फ्रॉम सिटी ए टू बी, कितने हाईवेज हैं? थ्री हैं। नंबर ऑफ हाईवेज फ्रॉम सिटी बी टू सी कितनी है? चार हैं। आपका बताना है, डिफरेंट राउट्स बनाने हैं। लिख दो आप, मैं यहां पे सॉल्यूशन में लिख देता हूं। नंबर ऑफ वेज किस चीज के? राउट्स फ्रॉम सिटी ए टू सी वाया बी। इस एग्जांपल को हम ऐसे समझते हैं कि भाई आपने कराची से हैदराबाद जाना है, आपके पास तीन हाईवेज के ऑप्शन है, फिर हैदराबाद से लाहौर भी आपने जाना है, तो आपके पास भाई ओवरऑल आपको सिटी ए टू सिटी सी जाना है, मतलब कराची से लाहौर जाना है आपको, लेकिन हैदराबाद के जरिए से जाना है, वाया हैदराबाद जाना है आपको, मतलब पहले आप हैदराबाद जाओगे फिर हैदराबाद से लाहौर जाओगे। अब कराची से हैदराबाद तीन ऑप्शन है आपके पास, हैदराबाद से लाहौर चार ऑप्शन है आपके पास, तो आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन कि आप सिटी ए से लेकर सिटी सी में जाओगे तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन आपके पास कितने हैं। तो मेंटली जरा इस बात को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ए से बी जाना चाह रहे हो, ठीक है, तो आपके पास कितने ऑप्शन है? फॉर एग्जाम्पल आप हाईवे वन पकड़ लो, कंसीडर कर लो हाईवे वन है क्या, ठीक है, और जब आपको बी से सी पे जाना है, टोटल ए से लेके सी पे जाना है ना, तो पहले आप ए से बी पे जाओगे फिर बी से सी पे जाओगे, तो आपके पास बी से सी जाने में कितने ऑप्शन है? मैं ट्री डायग्राम यहां पे बना लो, बी से सी जाने में कितने ऑप्शन है? क्या आप हाईवे वन पे जा सकते हो, हाईवे टू, हाईवे थ्री, हाईवे फोर? कहने का मतलब आप कराची से हैदराबाद हाईवे वन पे गए हो, फिर हैदराबाद से लाहौर आपके पास चार ऑप्शन है, आप हाईवे वन ले लो, हाईवे टू ले लो, हाईवे थ्री ले लो, हाईवे फोर ले लो, सिटी बी टू सी आपके पास कितने ऑप्शन है? चार ऑप्शन है। तो आपके पास चार पॉसिबिलिटी मैंने लिख दी है कि ए से बी आप हाईवे वन पे गए हो, फिर हाईवे वन पे गए हो, दूसरी पॉसिबिलिटी में हाईवे वन से गए हो और हैदराबाद से लाहौर हाईवे टू से गए हो, तीसरी पॉसिबिलिटी में वन थ्री, चौथी पॉसिबिलिटी में वन फोर, ये चार अलग अलग पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। अब और पॉसिबिलिटी कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल ए से बी में आप दूसरी हाईवे से गए हो, हाईवे नंबर टू से, अब मजीद इसकी चार पॉसिबिलिटी होंगे कि इधर आप हाईवे टू से गए हो, इधर आप हाईवे वन से गए हो, फिर हाईवे टू, हाईवे थ्री, हाईवे फोर, ये पे चार अलग पॉसिबिलिटीज है। ऑर्डर मैटर कर रहा है यहां पे कि वन टू और टू वन अलग अलग चीज है। वन टू का मतलब आप ए से बी में हाईवे वन लिया आपने और बी से सी में आपने हाईवे टू लिए, जबकि टू वन का मतलब ए से बी में आपने हाईवे टू लिया है, डिफरेंट हाईवे है, और बी से सी में आपने हाईवे वन लिए, तो चार पॉसिबिलिटीज की आ गई। फिर आप हाईवे ए से बी में तीन हाईवे थी ना, फिर तीन की आप इसी तरह चार बना लोगे, तो कहने का मतलब चार चार चार, ये आपके पास टोटल 12 तरीके हैं। इसको आप इस तरह भी समझ सकते हो कि कराची से हैदराबाद अगर आपने जाना है तो आपके पास तीन बसेस हैं, हैदराबाद से लाहौर जाने में चार बसेस हैं, एक ही बात है। कराची से हैदराबाद आप पहली बस में बैठे, हैदराबाद से लाहौर, अब आपके पास चार ऑप्शन है, उसमें किसी भी चार बस से बैठ सकते हो, तो चार ऑप्शन है। पहली में बस नंबर वन पे बैठे और बाकी रूट में बस नंबर वन भी हो सकती है, टू भी हो सकती है, थ्री भी हो सकती है, फोर भी हो सकती है, चार ऑप्शन होंगे। फिर फॉर एग्जाम्पल कराची से हैदराबाद आप बस नंबर टू में चले गए, मजीद चार पॉसिबिलिटी, इस तरह भी आप समझ सकते हो। और सॉल्व अगर आपने करना है तो बहुत इजी तरीके फर्स्ट प्रिंसिपल से होगा, क्यों? जो पहला इवेंट है ए से लेके बी, ये इवेंट परफॉर्म करने के कितने तरीके हैं? तीन तरीके हैं। दूसरा इवेंट
बी से लेके सी में जाना, कितने तरीके हैं? चार तरीके हैं, ठीक है। ये दोनों काम आपको एक साथ करना है, आपको कराची से लाहौर जाना है, मतलब कराची से हैदराबाद, हैदराबाद से लाहौर, ये काम आपको एक साथ करना है, दैट्स व्हाई आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। चाहो तो लिख लो कि ए से बी में जाने के तीन तरीके हैं, बी से सी जाने के तीन तरीके हैं, तो आप मल्टीप्लाई कर दो 3 × 4 = 12, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ वेज आपके पास कितने आ गए, 12 तरीके से आप कराची से लाहौर जा सकते हो। तो सवाल इजी था, लेकिन मैंने आप लोगों की एक्सप्लेनेशन प्रॉपर दी है ताकि आप लोगों को इशू ना समझ रहे हैं। उसी के बाद एग्जाम्पल नंबर 7 है, उसी पेज पे मौजूद है, पेज नंबर 219। आपके पास डेटा क्या गिवन है? डेटा गिवन है कि आपके पास एक सेट है एक्स वाई डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये सेट गिवन है, ठीक है। तो आप लिख दो नंबर ऑफ लेटर्स, इस सेट के अंदर कितने लेटर्स हैं? भाई सेट के अंदर चार लेटर्स हैं। लिखा हुआ है इन हाउ मेनी वेज कैन बी सेलेक्ट टू ऑफ दीज लेटर्स, तो आप सेलेक्ट कितने करने हैं? नंबर ऑफ लेटर्स टू बी सेलेक्टेड। अब मुझे नहीं पता इसके इंग्लिश में मतलब क्या है, ये मतलब हो ना कि नंबर ऑफ लेटर्स जितने आपको सेलेक्ट करने हैं टू, आपको दो लेटर सेलेक्ट करने हैं। अच्छा, यहां पे देखो बेटा चार पॉसिबिलिटीज हैं। मैंने बताया था परमोटेशन में भी सिलेक्शन होती है, बच्चे समझते हैं सिलेक्शन सिर्फ कॉम्बिनेशन में होती है, परमोटेशन में भी आप सेलेक्ट करते हो उसके बाद अरेंज कर रहे होते हो, जबकि कॉम्बिनेशन में जस्ट आप सेलेक्ट करते हो। तो चार केसेस बनेंगे, सबसे पहला केस क्या बनेगा कि परमोटेशन, ठीक है, और रिपीटेशन नहीं है, विदाउट रिपीटेशन। वैसे मैं बहुत दफा ये बात बोली है कि परमोटेशन में तो रिपीटेशन होती नहीं है, लेकिन नॉर्मली जो आप वर्ड यूज करते हो मैं उसके मुताबिक करवा रहा हूं, वरना परमोटेशन में विदाउट रिपीटेशन है, रिपीटेशन तो हो ही नहीं सकती। और इन सब सवालों को मैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से करवाऊंगा, बोलने में परमोटेशन आ रहा है। तो कितने नंबर ऑफ वेज बनेंगे? भाई आपने, आपके पास चार लेटर्स हैं, आपने दो सेलेक्ट करने हैं, तो वही बात कि दो सेलेक्ट करने हैं ना आपको, ठीक है। तो पहले में कोई भी चार आ सकते हैं, चाहो तो आप लिस्ट बना के नीचे लिख दो W X Y Z, कोई भी चार में से यहां पे आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपने W लिख दिया, अब कोई भी तीन में से यहां पे आ सकता है, X Y Z कोई में से तीन आ सकता है यहां पे। तो सॉल्व करो, 4 × 3 होगा, 4 × 3 क्या होता है 12। तो चार में से दो अगर आपने सेलेक्ट करने हैं तो 12 तरीकों से आप सेलेक्ट कर सकते हो। बुक में ये ऑप्शंस भी लिखे हुए हैं, अगर आप जाओ ना तो ये पेज नंबर 220 में उन्होंने चारों लिखे हैं, W W W X W Y, ये सब उन्होंने पूरे मेंशन किए हैं। फिर क्योंकि यहां पे कोई स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि रिपीटेशन अलाउ है नहीं है, परमोटेशन यूज करनी है, कॉम्बिनेशन यूज करनी है, डिफरेंट पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो बुक वालों ने सारी पॉसिबिलिटी लिखी है यहां पे। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि यहां पे परमोटेशन हो, लेकिन अब क्या होना चाहिए, अब विद रिपीटेशन है कि रिपीटेशन अलाउ होनी चाहिए यहां पे, ठीक है। तो अब रिपीटेशन अगर अलाउ करोगे तो अब होगा क्या, अब ये केस बन गया बच्चों प्योर परमोटेशन का केस नहीं है, बोलने में आता है, लेकिन आप बोल सकते हो इसको। अभी केस ये बना कि आप कोई भी चार यहां पे पुट कर सकते हो और कोई भी चार यहां पे पुट कर सकते हो, फॉर एग्जांपल W X Y Z, उसमें से फॉर एग्जांपल आपने W पुट किया, तो रिपीटेशन जब अलाउ होती है तो W दोबारा पुट कर सकते हो। तो अगेन इस प्लेस के लिए आपके पास कितने ऑप्शन है? आपके पास चार ऑप्शन है, तो मल्टीप्लाई करो 4 × 4, आंसर आ जाएगा 16, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यार अब अगर बात करो आप कॉम्बिनेशन की, तो पार्ट नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है? देखो शुरू के दो पार्ट में हमने कंसीडर किया कि ऑर्डर मैटर कर रहा है, क्योंकि सवाल में कोई चीज मेंशन नहीं थी। अब जो बाकी दो पार्ट है उसमें हम कंसीडर कर रहे हैं कि ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, तो पार्ट नंबर 3 में आप ये कह लो कि कॉम्बिनेशन और अगेन रिपीटेशन नहीं है, विदाउट रिपीटेशन, कॉम्बिनेशन में विदाउट रिपीटेशन आपने करना है, तो आपके पास नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? नंबर ऑफ वेज होंगे भाई, अच्छा अगर आप इसको कॉम्बिनेशन से करना चाह रहे हो तो कॉम्बिनेशन से कर लो, वरना फर्स्ट प्रिंसिपल से भी कर सकते हो। लास्ट क्लास में मैंने बताया था जितने आप सेलेक्ट कर रहे हो ना उतने फैक्टोरियल से आप डिवाइड कर दो, मतलब 2 फैक्टोरियल से यहां पर डिवाइड करोगे, लेकिन मुझे अच्छी नहीं आएगी, दैट्स व्हाई हम कॉम्बिनेशन से कर लेते हैं। तो चार में से आपको दो सेलेक्ट करने हैं, फॉर्मूला इसका क्या होता है? 4 × 2 = 2 सॉल्व करना है, 24/4 ये हो जाएगा 6, तो आपके पास 6 तरीके हैं। बुक पढ़ो ना, ऑर्डर डजंट मैटर, रिपीटेशन अलाउ, देयर आर 10 पॉसिबिलिटीज, कॉम्बिनेशन विद रिपीटेशन। अच्छा, कॉम्बिनेशन विदाउट रिपीटेशन में लिखा है, आपके पास 6 ऑप्शन नजर भी आएंगे आपको, पार्ट नंबर 4 बुक वन ने बाय द वे किया है कि डब्ल्यू एक्स एक्स वाई वाई जेड डब्ल्यू वाई डब्ल्यू जेड एक्स जेड, सारी पॉसिबिलिटी उन्होंने मेंशन की है। अच्छा जी,
अब रह गया आखिरी पार्ट, पार्ट नंबर फोर, कॉम्बिनेशन विद, दो दफा लिख दिए, कॉम्बिनेशन विद रिपीटेशन, ये आपको सॉल्व करना है। अब कॉम्बिनेशन विद रिपीटेशन वाला केस मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया। अब देखो बुक वाले ने फॉर्मुला डिस्कस नहीं किया हुआ, बुक वाले ने पॉसिबिलिटीज लिखी नहीं है सारी, फॉर्मुला डिस्कस नहीं उन्होंने किया हुआ, और ये फॉर्मुला मैं आप लोगों को ऑलरेडी कॉम्बिनेशन में बता चुका हूं कॉम्बिनेशन विद रिपीटेशन का क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो अगर आप उसी कॉन्सेप्ट से करना चाह रहे हो, अगर आपके जहन में फॉर्मुला नहीं है तो वही कॉन्सेप्ट लगाओ जो मैंने आप लोगों को बोला था। आपने सेलेक्ट दो करने हैं, आप ये समझ लो कि टोटल चार लेटर्स हैं और दो सेलेक्ट करने हैं, आप ये समझ लो और रिपीटेशन अलाउ है। फॉर एग्जांपल आप डब्ल्यू कर लो और दोबारा डब्ल्यू कर लो, बिल्कुल एक अलग कॉम्बिनेशन है। अच्छा आप डब्ल्यू कर लो फिर उसके साथ एक्स कर लो, ठीक है। अच्छा ये कॉम्बिनेशन विद रिपीटेशन में डब्ल्यू एक्स होगा, जबकि परमोटेशन विद रिपीटेशन में एक्स डब्ल्यू भी होगा साथ, मतलब जब आप लिस्ट देखोगे ना परमोटेशन विद रिपीटेशन में तो आपको ये एक्स डब्ल्यू भी नजर आएगा, जो कि कॉम्बिनेशन विद रिपीटेशन में नजर नहीं आएगा। ये चीज कॉम्बिनेशन विद रिपीटेशन की नहीं है, लेकिन ये वाली चीज आपको इसमें भी नजर आएगी, इसमें भी नजर आएगी। क्यों? दोनों में सेटिस्फाई कर रही है, भाई इसमें भी रिपीटेशन अलाउ है डब्ल्यू डब्ल्यू कर सकते हो, इसमें भी रिपीटेशन अलाउ है डब्ल्यू डब्ल्यू कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये फर्क नजर आएगा आपको इन दोनों के अंदर। बहरहाल आप कॉम्बिनेशन विद रिपीटेशन से करना चाह रहे हो तो इसका ये मेथड होगा कि आप क्या कंसीडर करो, आप वो आइसक्रीम वाला कंसीडर कर लो एग्जांपल, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को कॉम्बिनेशन विद रिपीटेशन में बताई थी। हाँ आइसक्रीम वाली एग्जांपल ही बताई थी। क्या भाई समझ लो कि आपके पास चार डिफरेंट फ्लेवर है, भाई चार लेटर्स है ना, उसमें से कोई भी दो सेलेक्ट करना है तो आप कंसिडर कर लो भाई चार लेटर्स है आपके पास, ठीक है, ये चार पोजिशन है, आपने कोई भी दो सेलेक्ट करना है, जस्ट लाइक के चार आइसक्रीम के फ्लेवर है, कोई भी दो स्कूप आपने उठाने हैं, उस तरह समझ सकते हो आप इसको। फॉर एग्जाम्पल यहां से स्कूप उठाए, यहां से स्कूप उठाए, ये सब पॉसिबिलिटी में वहां पे बता चुका हूं। फिर आप डिवाइडर लगाओ, एक डिवाइडर यहां पे आएगा, एक डिवाइडर यहां पे आएगा, एक डिवाइडर यहां पे आएगा, चार चीजें हैं तो तीन डिवाइडर आपको चाहिए होंगे। तो बेसिकली करोगे कि आप स्टेरिक स्टेरिक और डिवाइडर इनको आपस में करना है। बाय द वे ये जो मैंने चीज देखा इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो टब है ना डब्ल्यू का, आपने दो दफा डब्ल्यू को सेलेक्ट किया, फिर जीरो दफा एक्स को सेलेक्ट किया, जीरो दफा वाई को सेलेक्ट किया, जीरो दफा जेड को सेलेक्ट किया, ये मतलब बनेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको इस तरह लिख दूं, इसका मतलब डब्ल्यू को सेलेक्ट किया, एक्स को सेलेक्ट किया, वाई को सेलेक्ट नहीं किया, जेड को सेलेक्ट नहीं किया, एट अ टाइम दो करना है ना आपने, तो दो स्टार ही होंगे आपके। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल आपने इस तरह कर लिया, स्टेरिक लाइन लगा दी, लाइन लगा दी स्टेरिक, इसका मतलब क्या है कि आपने डब्ल्यू को सेलेक्ट किया, वाई को सेलेक्ट, सॉरी एक्स को सेलेक्ट नहीं किया, वाई को सेलेक्ट नहीं किया, जेड को कर लिया, डब्ल्यू जेड आ जाएगा। तो एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन विद रिपीटेशन जो ऑलरेडी मैं आप लोगों से 7.3 के इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर चुका हूं वो यहां पे अप्लाई करोगे। तो अगर आप ऑब्जर्व करो यहां पे फॉर्मुला क्या बनेगा, मैं एग्जैक्ट वो कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मुला लगाना नहीं चाह रहा, परमोटेशन से आप इसको कर लो, जैसे मैंने बताया था वहां पे आप परमोटेशन से कर रहे थे तो वैसे ही कर सकते हो आप। क्या होगा भाई, टोटल कितनी चीजें, पांच चीजें, तो आप लिखो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, दो सेम है और तीन सेम है तो 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे हो जाएगा 120/12 जो के बराबर होता है 10 के। तो कॉम्बिनेशन विद रिपीटेशन के कितने केस आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे। और अगर आप इसको कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से करना चाह रहे हो तो यहां पे क्या आ जाएगा, 5C3 या 5C2, दोनों आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहां पर उन्होंने, अगर आप सवाल की वर्डिंग पे देखो ना, उन्होंने बोला हुआ जस्ट कि आपने दो सेलेक्ट करने हैं, कैन हाउ मेनी वेज कैन वी सेलेक्ट टू लेटर्स, ठीक है। उन्होंने ये नहीं बोला कि दो लेटर्स के सेट बनाने, क्योंकि अगर वो बोलते ना कि दो लेटर के सेट बनाओ तो आपको पता है सेट में रिपीटेशन नहीं होती, फिर इस तरह का सेट नहीं बन सकता था कि डब्ल्यू डब्ल्यू, नहीं ये नहीं बन सकता था इसके अंदर, क्योंकि सेट के अंदर रिपीटेशन नहीं है। आपको सेट बनाना, मल्टी सेट नहीं बनाना, मल्टी सेट में रिपीटेशन हो जाती है, लेकिन जब सेट की वर्डिंग यूज करते तो फिर आप ये काम नहीं कर सकते, आप फिर ये रिपीटेशन वाले केस डिस्कस नहीं कर सकते थे यहां पर। और इसी तरह ऑर्डर वाले भी नहीं कर सकते थे, मतलब आप प्योर आपको कॉम्बिनेशन यूज करनी पड़ती, कॉम्बिनेशन विदाउट रिपीटेशन, रिपीटेशन सेट के अंदर नहीं होती। दूसरी बात, सेट के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता, ये बात आप लोगों को पता है, सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप WX लिखो XW लिखो, तो जस्ट ये वाला केस होता, इसके अंदर 6 आंसर आ जाते कि आपको अगर चार हैं गिवन और आपको दो के सबसेट बनाने हैं, दो लेटर्स के बनाने हैं, तो कितने बनेंगे, 6 बन जाएंगे। प्योर ये केस होता जिसमें रिपीटेशन नहीं होती, क्योंकि सेट के अंदर रिपीटेशन अलाउ नहीं है और ऑर्डर भी मैटर नहीं कर रहा था वहां पे, क्योंकि सेट के अंदर एलिमेंट्स के दरमियान ऑर्डर मैटर नहीं करता। अच्छा एक और केस भी होता है जिसमें मल्टी सेट का कॉन्सेप्ट होता है, अगर आप शौक हो तो आप लोग सर्च कर लेना, मल्टी सेट में रिपीटेशन अलाउ होती है, तो आप ये कह सकते हो कि उसके अंदर कॉम्बिनेशन विदाउट रिपीटेशन और कॉम्बिनेशन विद रिपीटेशन हो सकता है, परमोटेशन फिर भी नहीं होगा, ऑर्डर फिर भी मैटर नहीं करता वहां पे, मल्टी सेट में रिपीटेशन अलाउ हो सकती है। तो आप ये दोनों के डिस्कस कर, अगर मल्टी सेट की बात करोगे तो ये वाला कॉन्सेप्ट ठीक रहेगा कि 10 पॉसिबिलिटी बनेंगे, क्योंकि मल्टी सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता लेकिन रिपीटेशन अलाउ होती है, तो कॉम्बिनेशन
विद रिपीटेशन। तो मल्टी सेट के अंदर 10 पॉसिबिलिटी हैं, और अगर आप सिर्फ सेट की बात करते हैं 6 हैं। यहां पे उन्होंने रैंडम बात की है कि दो को आपके बनाने हैं, सेट नहीं बनाने, कोई भी दो सेलेक्ट करने। तो अब दो सेलेक्ट करने की डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बन सकती थी कि सवाल में स्पेसिफाई नहीं हुआ था, तो सारी पॉसिबिलिटीज जो है ये मैंने आपको बता दी। ठीक है।